thank you, Shiri, for Ultima's. And now I'm going to take its reserve and show you how it works. And come on, let's check the current condition of my hands. Don't worry, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने मुझे जो है ये जो है मास्क पार्सल किया है यार, मेरे को मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं है। और इसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट लुकिंग, और लेट्स सी हाउ इट वर्क। मैं आपको जो है जो अलगी मास्क मुझे तरीका बताया गया था, देखिए चम्मच भर के मैं इसमें मिल्क में ऐड कर रही हूँ। ये रॉ मिल्क नहीं है, इसमें ऑलरेडी मैंने ग्लिसरीन और थोड़ा सा जो है अर्के गुलाब ऐड कर लिया था, ठीक है। अब ये मैंने इसमें 3 स्पून ऐड किए हैं, उसके बाद देखती हूँ इसकी थिकनेस। ये फौरन थिक हो गया है और इसमें जितना भी दूध था या जितना भी इसमें लिक्विड था वो सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसी वक्त ही ठीक हो गया। मुझे आइडिया था इसमें कितना मिल्क और कितना ग्लिसरीन ऐड करनी है जो ये ईजिली डिजॉल्व हो जाए, तो उसने वो ईजिली सारा दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ये देखें, या इसको किसी भी शेप में आप ले सकते हैं इजीली। मैं इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करूँगी, जिस तरह मर्जी इसको स्प्रेड करें इजीली उसी फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। ये अब जी एलबी मास्क मैं अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। और फिर आफ्टर 30 मिनट्स भी इसका जो रिज़ल्ट होगा तो मैं आपको शो करूंगी। इसको जिस तरह से भी स्प्रेड करते जाएंगे ये उसी फॉर्म में मोल्ड होता जाएगा, नो डाउट। ये जी मैंने पूरे हाथ पे इसको लपेट लिया है। अब आफ्टर 30 मिनट्स अब देखते हैं कि हाथ वाकई ही वाइट हो गया है, ग्लोइंग आ गई है, शाइनिंग आ गई है और एक्स्ट्रा कोई डिफरेंट ही किस्म का जो है इसमें इफ़ेक्ट आ गया है जो कि आम स्किन पॉलिश से या आम फेशियल से स्किन में नहीं आता। देखते हैं इसके अमेजिंग रिज़ल्ट आफ्टर 30 मिनट्स। अलगे मास्क लगाने के बाद इस हाथ का और ये पहले, वो मैं आपको वीडियो दूसरी। माशाल्लाह बहुत ग्लोइंग, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा वाइटनिंग इफ़ेक्ट आया है इसमें। इस हाथ पे देखें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस हाथ पे फील हो रहा है, स्मूथ। इस तरह से आप चेक कर लीजिए।